Hey guys, welcome to my channel Lifeline with Sylvie और आज हम बनाएंगे राजमा चावल। आज मैं बनाऊंगी राजमा जिसमें चाहिए हमें 250 ग्राम राजमा, लहसुन 8 से 10 कलियां, 2 इंच टुकड़े अदरक का, 2 बड़े चम्मच दही, 4 से 5 छोटे प्याज, 3 टमाटर, धनिया पत्ता, धनिया वैसे कटा हुआ बारीक, आधा नींबू और मसालों में चाहिए जीरा, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, गरम मसाला और कसूरी मेथी, 1 चम्मच, आधा चम्मच नमक ये पड़ा है, 1 चम्मच राजमा भिगोने टाइम में, ये है आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच गरम मसाला। और हमने उबलते हुए राजमा जो 250 ग्राम राजमा में तकरीबन 750 ml पानी डालकर 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी के साथ भिगो दिए हैं। और अब आइए शुरू करते हैं रेसिपी। चलिए हम बनाते हैं लजीज राजमा। इन राजमा को मैंने पूरी रात में भिगो के रखा है। 1.25 लीटर पानी में 250 ग्राम राजमा, 1 चम्मच तेल, 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी के साथ। और इसको आप पूरी रात नहीं भी भिगोने का आपको टाइम मिला तो आप इसको सुबह में, अगर अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो आप इसको गर्म पानी में, बहुत बॉइलिंग वाटर नहीं होना चाहिए लेकिन गर्म पानी में भिगो दीजिए और 3 से 4 घंटे बाद इसके को बनाने की विधि बिल्कुल सेम होगी। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं हमारे स्वादिष्ट राजमा। हम इस कुकर को लिड के साथ सीटी के साथ अभी रख देंगे और हम 5 से 6 पहले सीटियां लगाएंगे, इसको चलाएंगे। कुकर को मैंने तेज सीख पे रख दिया है और इसको हमने 5 से 6 सीटी होने देना है। और अब चलिए बनाते हैं इसका मसाला। आइए शुरू करते हैं बनाना अपना राजमा। मैंने गरम रखा है अपना 1 कड़छी ऑयल, जीरा और मैंने पहले नहीं बताया आपको हींग, जीरा और हींग डालेंगे इकट्ठे। ये जैसे ही गरम हो जाएगा जीरा और हींग, इसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक चॉप किया हुआ। आप चॉपर में भी कर सकते हैं चॉप्ड वाला, या आप ग्रेटर से भी कर सकते हैं, सब ऑन योर चॉइस। और इसे अब हम गोल्डन होने तक इसको करेंगे। जब तक ये गोल्डन नहीं हो, जब इसका गोल्डनिश हो जाए, काला नहीं पड़े लेकिन गोल्डन सा हो जाए तब तक करेंगे। जब तक ये लहसुन और अदरक हो रहा है, मैंने अपने कुकर में 5 से 6 सीटी लगवा के उसको स्टीम में ही रहने दिया है और उसको 10 मिनट बाद मैं खोलूंगी। अब ये देखिए हो चुका है, तो अब मैं इसमें डालूंगी अपना ग्रेटेड प्याज, जो मैंने दिखाई थी सामग्री, जो है 3 से 4 छोटे प्याज, मीडियम साइज के कह सकते हैं प्याज। इसको कभी सिम करके कभी तेज करके लगने नहीं देना है नीचे, बीच बीच में चला के हमें इसको करना है गोल्डन ब्राउन। अभी आपको बताना चाहूंगी कि अगर हम प्याज में नमक पहले से डाल देते हैं तो ये जल्दी भुनने में हेल्प करता है, तो मैं इस टाइम पे नमक करके डाल दूंगी तो ये हमारा टाइम कम लेगा भुनने का। इसको कभी हम सिम कर देंगे कभी तेज कर देंगे। ये मैं दिखाना चाहूंगी राजमा साइड बाय साइड जब तक मसाला हो रहा है। ये देखिए ये ऐसे थोड़ा सा हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट हाफ डन है। अगर आप सारा पानी डाल देंगे पहले से तो कई बार क्या होता है कि आउटर कोटिंग बहुत ही हैवी होती है राजमा की, तो वो अच्छे से पकते नहीं है। तो अभी 6 सीटी दिला के फिर मैंने इसको सिम से इसको फिर 10 मिनट रहने दिया है। 1.25 लीटर पानी डाल दूंगी मैं, ठंडा पानी, नॉर्मल पानी, मतलब गर्म नहीं करना है इसको।
ये आप देख लें, देखिए अपने मसाले की तरह, ये बीच का स्टेज है, ये थोड़ी देर और इसको करेंगे। ये देखिए ऑलमोस्ट ये मसाला हो गया, जैसे ही ये थोड़ा साइड छोड़ने लगे, आप देख रहे हैं ये घी थोड़ा शाइन, ये आपका घी छोड़ गया है मसाला। ये मैंने टमाटर करके रखा है जिसमें मैंने डाला है, जो मैंने आपको बताया था फुल जौन सा पत्ती वाला था जिसमें नहीं तो काटा गया था, उतना धनिया, चार हरी मिर्च और टमाटर का मिक्सचर है, ये भी मैं डाल दूंगी। सारा का सारा टमाटर वमाटर गया, इसमें जाएंगे बाकी के मसाले जो मैंने पहले बता के दिखाए थे, और साथ ही जाएगी दही, दो चम्मच दही, बड़े चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स करना है और घी छोड़ने तक, जब तक ये साइड में छोड़ने का मसाले को भूनना है। लेट्स हैव अ लुक एट आवर राजमा। ये देखिए ये ऑलमोस्ट डन है। कई बार राजमा जल्दी गलते हैं, लेट गलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी, तो आप थोड़ा और भी टाइम इसको रख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। और आप जैसे मैंने हींग डाला, कसूरी मेथी डाली, इफ़ यू आर नॉट कम्फर्टेबल विद, आप कोई भी चीज़ ऊपर नीचे कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। अब ये ऐसे राजमा हैं, इनको अभी मैंने सेक पे ही रख दिया है, और जो सा अपना बना हुआ मसाला है वो मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हैं, पहले इसे तेज सेक पे उबाल दिलाना है, जैसे ही ये उबाल आता है तो हम इसे ढक के सिम सेक पे 10 से 15 मिनट रख देंगे। मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया अपना मसाला, बट अभी ये मसाले का टेस्ट अभी राजमा में नहीं आया, अभी पानी कच्चा है, सो कम से कम 15 से 20 मिनट इसको सिम सेक पे लगेंगे। लिड लगा के और इसे सिम सेक पे रखते हैं पूरा अच्छे से बन। सी यू आफ्टर 15-20 मिनट्स। ये देखिए हमारे राजमा रेडी हैं। इसमें हम बिल्कुल एंड एक दो चीज़ें डालनी हैं हमें, एक तो डालना है ये आधा नींबू, और कटा हुआ बारीक। लीजिए, एंजॉय कीजिए अपने राजमा को विद राइस, रोटी, अनियंस, पिकल एंड एनीथिंग एल्स ऑफ योर चॉइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम आपकी दोस्त।